पहलवान हमारे नेपाल में रहेंगे तो कहना कि हमारे नेपाल के पहलवान एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर विदेशों से भी में जिन्हें काला चीता के नाम से सारी दुनिया जानती है, इनको वास्तव में काला चीता की टाइटल जो कहते हैं ना टाइटल मिला हुआ काला चीता का, क्योंकि इनके पिताजी एक बार काला राजा महाराजाओं के टाइम में महाराष्ट्र में इनके पिताजी काला चीता से लड़े थे, जो चीते होते हैं उनसे लड़े थे पिंजरे के अंदर और उनको मार कर बाहर निकले थे। इनके पिताजी भी बहुत तगड़े पहलवान थे, वहीं से इनका नाम पड़ा है काला चीता पहलवान। बहुत भारी है, देखिए अपने वजन से खेल रहा है, एक तरफ 66 किलो वजन और दूसरी तरफ एक क्विंटल 30 किलो वजन। ऊपर चलिए पहलवान, ऊपर चलिए, ऊपर आइए। देखिए ये कहने के बाद गुरु जी काला चीता पहलवान का 2 दिन पहले 1 क्विंटल 20 किलो वजन था, लेकिन इतना दूध की खा लिए इनका 10 किलो वजन बढ़ गया 1 क्विंटल 30 किलो। जब 1 क्विंटल 30 किलो वजन 66 किलो को खेलेगा तो बाहर ही जाएगा भाई, वहीं पे पेतरा काट कर बीच में लड़े, इतना दूध पी लिए कमेटी का 10 किलो वजन बढ़ गया। अरे भाई हाँ बीच में आपका वजन ज्यादा है क्या, आपका जो वजन ज्यादा है बसंत पहलवान की। अरे भाई आप भाग रहे हो, आप
यहाँ पर जैसे सिरहा और बेलहा यहाँ पर क्षेत्रीय जो विराट कंगन होते हैं, विराट कुश्ती होती है, वहां नहीं जाना पड़ेगा, अपने गांव में यहीं पर होगा। अगर ऐसे ऐसे सज्जन भाव इस दंगल में बढ़ चढ़कर हिस्सा भाग लेंगे और दान देंगे तो दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने ही गांव अपने ही क्षेत्र में हमें दंगल देखने को मिलेगा। धन्यवाद जदयू, सात मिनट शेष, जदयू अपने अनुसार नाम रोशन करना चाहे छे, एक दिन के खर्चा देना चाहे छे, कमेटी में हम ऐसे संपर्क कर लो, नाम लिखा लो और एम के प्रोडक्शन बारह देवी ग्रही कलमपुर छह समय शेष बारह संधि प्राणा पत्र शेर में से शेर निकाला है आपने, हे भगवान उसे जिताना जिसे पाला है आपने। कागज की कश्ती कभी पार नहीं हो सकती और आप हो दुआ खुदा की उसकी कभी हार नहीं हो सकती। हेलो हाँ महिला पहलवान, अभी जो आगे कुश्ती हुई थी महिला पहलवान जो हारे हुए उसका कुश्ती इसके बाद होगी। महिला पहलवान हारी हुई महिला पहलवान की कुश्ती होगी। अच्छा दो मिनट कोई बात नहीं, दो मिनट हमारा हो जाएगा, दो चार मिनट के बाद। जल्दी करो, जय हो बाबा जी, नवल प्रासी के बाबा जी जय हो, जिन्होंने हमारे धरती पर जन्म लेकर हमारे धरती को धन्य कर दिया और गरीब कन्याओं का फ्री में विवाह कराते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं पढ़ाते हैं। बाबा हरिओम, नवल प्रासी नेपाल। एक मिनट पहलवान दो, समय मिनट बचा है, एक बहुत लड्डू खा रहे हो। देखिए दंगल में भी नहीं बेटा, खाली पेट नहीं रह सकता, इसका कहना है।